फिफ्थ रूट है, सॉरी 2.709 का फिफ्थ रूट आ गया, और इसी तरह 1.239 का सेवंथ रूट है हमारे पास। तो हम सबसे पहले तो इसको जरा बाकी तीन क्वेश्चंस में किया था, इसको x इक्वल ऐड कर लेंगे, x इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई सेवंथ रूट ऑफ 1.239। तो अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इस तरफ लॉग लेंगे तो लॉग x आ जाएगा इक्वल, इसका भी लॉग ले लेंगे, ठीक है, फिर क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हम इनका अलग अलग लॉग ले लेते हैं। तो लॉग 2.709 का फिफ्थ रूट है, इसका लॉग अलग से आ गया, और लॉग ऑफ सेवंथ रूट 1.239 ये हमारे पास अलग से आ गया, क्योंकि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो लॉग ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक जब हम उनका अलग अलग लॉग लेते हैं तो लॉग पहले वाली चीज़ का लॉग प्लस दूसरी चीज़ का लॉग आ जाता है। तो ये लॉग 2.709 तो ये फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट जो होता है इसको अगर हम ख़त्म करें और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर या पावर की फॉर्म के अंदर लेके जाएं, तो ये फिफ्थ रूट होता है ये 1/5 पावर होती है जी, और 1.239 जो है इसके ऊपर सेवंथ रूट है, ठीक है, ये अगर स्क्वायर रूट, ये अलामत हो रूट वाली और ऊपर ये सेवन हो तो इसको हम सेवंथ रूट कहते हैं। तो इसको अगर ख़त्म करें तो पावर क्या आ जाती है, 1/7 आ जाती है। तो अब लॉग जो है वो क्या करता है, पावर को यहाँ पे साथ अपने साथ मल्टीप्लाई कर लेता है, ये भी हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम के अंदर पढ़ा था 3.3 के अंदर। तो ये 1/5 जो है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 लॉग 2.709 प्लस, और ये वाला जो लॉग है 1/7 को नीचे उतार देगा, यहाँ पे साथ अपने मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 1/7 मल्टीप्लाई लॉग 1.239। तब हम क्या करेंगे जी, लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं जी, रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, इसका हमने पहले लॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका लॉग फाइंड करते हुए पहले रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, तो लेफ्ट साइड से अगर आप आएँ तो 2 के बाद, ठीक है, पहले नॉन जीरो डिजिट वाली जगह होती है हम उसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल एक ही जगह पर, इनके दरमियान कोई डिजिट नहीं है, इस वजह से करेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 4 डिजिट ये 2709 जो है हमने 27 को, ठीक है, 27 वाला कॉलम के अंदर हम आएंगे, 27 ढूंढेंगे, तो इसकी जो रो है 27 को हम किस में देखेंगे जी, 0 में। जब 0 में देखेंगे 27 को तो ये 4314 बन रहा है, और 9 के साथ डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास 14 बन रहा है। तो 4318 14 में 14 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 4328 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मेंटिसा बन गया। तो करेक्टरिस्टिक फिर डेसिमल हम मेंटिसा लिख देते हैं, फिर प्लस आ गया 1/7। इस तरह अब हम इस लॉग की वैल्यू निकालेंगे, लॉग 1.239। तो इसमें सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं 1 के बाद ये जो जगह बनती है ये रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जगह होती है उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 1.239 के बाद के जो आपका नंबर है इसमें आप लेफ्ट साइड से आएँ तो 1 पहला नॉन जीरो डिजिट है और उसके बाद ये जगह रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल क्योंकि एक ही जगह में, इस वजह से हमारा करेक्टरिस्टिक जो है वो, क्योंकि हम डेसिमल से पहले लिखते होते हैं, ये 0 आ गया। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को 3 के अंदर देखेंगे, ठीक है, ये जो पहले दो डिजिट होते हैं इसको तीसरे के अंदर देखते हैं, तो 12 को हम 3 के अंदर देखते हैं जी, ये 12 इसको जब 3 के अंदर देखेंगे तो ये हमारे पास 0899 आ रहा है, और इसमें 9 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो 9 का डिफरेंस क्या है जी, 31। तो ये अगर इसमें 31 ऐड करेंगे तो ये 931 बन जाएगा, 0931 बनेगा। तो 0.0931 जो है ये आपके पास इसका लॉग की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने 5 से डिवाइड करना है और इसको हमने 7 से डिवाइड करना है। तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे, जब आप 0.4328 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.0866 आ जाएगा, और जब आप 0.0931 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ तो ये आपके पास 0.0133 आएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 0.0999 आ गया। अब हमने क्या करना है, लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0999। अब हमने चूंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ इस लॉग को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। जब इस तरफ एंटी लॉग लेंगे लेफ्ट साइड पे, क्योंकि ये सारी साइड पे लॉग एक्स ही आ रहा है, तो एक्स रह जाएगा, लॉग ख़त्म हो जाएगा, और इस साइड पे जब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग 0.0999 आ गया हमारे पास। अब एंटी लॉग में सारा प्रोसेस उल्टा करना है जो हमने लॉग लेते हुए किया था। तो हमारे पास ये डेसिमल से पहले वाला जो है ये करेक्टरिस्टिक हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक 0 है, और डेसिमल के बाद वाला ये 0.0999 ये हमारे पास मेंटिसा आ गया।
अब हमने मेंटिसा को एंटी लॉग टेबल के अंदर देखना है, तो एंटी लॉग टेबल में देखते हुए ये जो पहले आपके दो डिजिट्स हैं 0.09 ये आप ढूंढेंगे लेफ्ट वाले पहले कॉलम के अंदर, और उसकी रो के अंदर आप जाएंगे जब आगे तो 0.09 को आपने क्या करना है 9 के अंदर देखना है, ठीक है। तो 0.09 को जब आप 9 के अंदर देखेंगे तो ये आपके पास 1, 2, 5, 6 आ रहा है, उसमें फिर 9 का डिफरेंस आपने ऐड करना है तो ये आपके पास 1258 बन जाएगा या 1259 बन जाएगा। तो ये जो आंसर इसमें लिखा गया ये कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट किया गया है, तो जब आप इसको बिल्कुल इसकी मदद से जब कैलकुलेट करेंगे या इसको राउंड ऑफ करें तो चीज़ यही बन जाती है 2589 बनता है ये, ठीक है। आपके पास 1259 बनता है ये, ठीक है, क्योंकि 1256 है और इसमें 3 ऐड होगा तो 1259 बनेगा। ये कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करके आंसर लिखा गया है तो इसमें 86 आ रहा है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट देता है कैलकुलेटर लॉग टेबल के मुकाबले। अब आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है, तो रेफरेंस पॉइंट तो आपका अगर देखें तो लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे बनता है, तो डेसिमल आप कहाँ पे लगाएं कि आपका करेक्टर से जीरो हो, तो डेसिमल आपको इसी जगह लगाना पड़ेगा, तो 1.25 यहाँ पे आप 9 लिख सकते हैं अगर आप लॉग टेबल की मदद से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें गिवन है 1.23।